हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज अगेन मैं आप लोगों के लिए एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि होली हो चुकी है लेकिन होली के बाद जो मेरा वेट है वो गेन हो गया, और सबसे बड़ी बात है होली का हैंगओवर है जिससे अभी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा बताएं सुगम कि हम होली के हैंगओवर से बाहर भी निकले, जो लेथार्जिक फील कर रहे हैं उससे भी हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हों, और जो हमारा वेट 1, 2, 3, 4 किलो जितना भी बढ़ गया है उससे हम बहुत तेजी से निजात पाएं, और जो भी इस समय हमारे अंदर गया है फैट या शुगर या फिर मैदा या कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर गई है उसको हम अपनी बॉडी से कैसे डिटॉक्स करें। तो जी हाँ, आज मैं यहाँ पे आपको एक नहीं दो ड्रिंक बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी को फुली डिटॉक्स कर सकते हैं। वेट लॉस होगा ही होगा, 100% होगा। साथ ही साथ क्योंकि समर्स है तो आपको कुछ ऐसा लेना है कि आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करे और आपकी बॉडी में जो है वो पानी की बिल्कुल भी कमी ना हो, फेस बहुत ग्लो करे और वेट जो रिड्यूस हो बहुत हेल्दियर वे में हो। और सबसे बड़ी बात है कि बॉडी में जितनी भी गंदगी आपने 2-4 दिन 1 हफ्ते में भर ली है उसे भी आपको बाहर निकालना है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में एक जो छोटी सी घंटी लगी है उसे प्रेस करना ना भूले ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आप कोई भी अट्रैक्टिव सा एक जार ले लीजिए, क्योंकि अट्रैक्टिव सा जार होगा तो मजा आएगी पीने में, और मैं कांच का जार प्रेफर करती हूँ। आप प्लास्टिक का भी ले लो लेकिन कांच ज़्यादा सेफ़ है हमारे लिए, इसीलिए मैं देखती हूँ कि मैं फाइबर या फिर उस तरह के जो बर्तन भी नहीं यूज़ करती हूँ, हमेशा स्टील का बर्तन यूज़ करती हूँ। और कोशिश करिए पीने के लिए आप कांच का यूज़ करिए, और जो भी फ्रूट्स हो आपके पास, कुकुम्बर इस समय गर्मियाँ हैं काफ़ी सस्ता है, आप हाफ कुकुम्बर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो और इसे डाल दो, और ये हाफ कुकुम्बर आपके 2 बार के पानी के लिए होगा। तो मैं इसमें हाफ कुकुम्बर को छोटे छोटे बड़े बड़े पीसेस में मत करिएगा, छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालिएगा, चाहे आपका जो जार का मुँह बड़ा हो। मेरे पास छोटा है तो मैं छोटे, ऐसा नहीं है बड़ा होता तब भी मैं छोटे ही कट कर डालती, जो उसके एक्सट्रैक्ट हैं ज़्यादा अच्छे से निकल जाते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस भी काफ़ी सस्ते हैं तो आप हाफ ऑरेंज ले लो, और ऐसे मत मतलब पूरा एक साथ मत डाल देना वरना कोई फ़ायदा नहीं है, उसे कट करके बीच से तोड़ के डालना ताकि उसके जो जूस है वो अच्छे से निकल जाए। और मैं इसमें 4, 5 to 6 ऑरेंजेस डाल रही हूँ। इसके बाद आप इसमें फ्रेश वाटर भरें, अगर ओरो है ओरो, मिनरल है मिनरल, या फिर आप पानी को बॉयल करके डालें, फ्रेश वाटर इसमें डालें, 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ें, देन इसके बाद आपको इसे पीना है। 2, 3 to 4 बार आप इसे पियो, लेकिन ये जो मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं ये आपकी 2 बार में चलेंगी, यानी 1 बार इस पूरे वाटर को पी लो, देन उसके बाद फिर इसे बनाओ और फिर पी लो, फिर शाम को आप इसी तरह करो। तो 4 बार आपको इसे पीना है, और इसके बाद मैं बताती हूँ कि दूसरा ड्रिंक क्या प्रेफर करेंगे आप, और सच में बहुत कूलिंग रहेगी बॉडी, स्किन बहुत शाइन करेगी आपकी। ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और सच में ये बॉडी पर उतना ही अच्छा इफेक्ट करेगा, उतनी ही ब्यूटीफुल बॉडी आपको देगा। तो इस तरह से 4 बार आपको, यानी कि 1 लीटर तक आपको इसे दिन में लेना ही लेना है। और इसके बाद मैं दूसरा ड्रिंक बताती हूँ कि आपको कौन सा लेना है। ड्रिंक की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी सस्ता है, काफ़ी अच्छा भी है। 1 to 2 टेबल स्पून आपको थिक कर्ड लेना है, अगर नहीं है तो मट्ठा यानी कि बटर मिल्क आप ले लीजिए। उसके बाद आपको 2 टेबल स्पून मतलब लीजिए, और ये आप जैसे जब आप दोपहर 4-5 बजे जब आप टी लेते हो उससे पहले आप इसे ले सकते हो, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मतलब प्लेन वाटर ना लेके, क्योंकि वो बॉडी में रुकता नहीं है आपकी, इस तरह से वाटर लीजिए, कंज्यूम करिए वाटर को। इसके बाद क्यूमिन सीड्स यानी जीरे का, भुने हुए जीरे का, मार्केट से नहीं आप ले सकते हो, घर में ही जीरे को भूनिए और उसे पीस के रख लीजिए, वो डालिए। रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक जो हम लोग व्रत में यूज़ करते हैं वो आप प्रेफर करिए, तो इस तरह से। और इसके बाद फिर आप इसमें बॉयल वाटर और ओ या मिनरल वाटर मिला दीजिए, देन आप ये ले लीजिए। ये एक से दो बार इसे भी ले सकते हैं मॉर्निंग या इवनिंग। यही सेम प्रोसेस आप बटर मिल्क में आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप प्योर लीजिए, इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। और इस तरह से आप वाटर को कंज्यूम करिए, 3 to 4 लीटर लीजिए, लेकिन प्लेन वाटर मत पीजिएगा हो सके तो, गर्मियाँ हैं पानी रुकेगा नहीं आपकी बॉडी में, लेकिन अगर आप इस तरह से पानी पियेंगे तो रुकेगा और बॉडी बहुत अच्छे से क्लींस होगी। और सच में अगर इस तरह से आप काम करोगे तो वेट जो है, जो भी आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, बहुत फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे आप।
देखा ये दो ड्रिंक है, आप दोनों में से कोई एक ड्रिंक भी ले सकते हैं, आप दोनों ड्रिंक भी ले सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल पानी पीने से कोई भी फायदा नहीं है जब तक आपकी बॉडी में जो पानी है वो रुके नहीं। अब पानी आपने पिया, आपको यूरिन लगी, आप यूरिन पास करके आए, देन आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं बचा। जो फ्रूट्स होते हैं और जो एक कुकुम्बर होता है वो आपकी बॉडी में रुकता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है। और ये फ्रूट जूसेस एंड ये जो कुकुम्बर वाटर है और ये जो कर्ड वाटर है, ये आपकी बॉडी में थोड़ी देर स्टे करेगा, जिससे आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा। ये नहीं होगा कि तुरंत आपको यूरिन लगी और आपको यूरिन के थ्रू सारा पानी निकल गया और आप जैसे पहले थे वैसे रह गए। इस ड्रिंक के साथ सबसे बड़ी खासियत यही है, साथ ही साथ अगर ये आपकी बॉडी में रुकेगा तो ये आपकी बॉडी की जितनी भी गंदगी है उसे एक साथ इकट्ठा करेगा, देन इकट्ठा करने के बाद वो फ्लश आउट होगा। पानी क्या करता है, आपने पिया, एक दो तीन सेकंड भी नहीं रुका, आपने यूरिन पास कर दी। लेकिन इस सारी ड्रिंक के साथ क्या है, ये जो दो ड्रिंक है आपकी बॉडी में रुकेंगे, थोड़ी देर वर्क करेंगे, सारी डिटॉक्स गंदगी को इकट्ठा करेंगे, देन फ्लश आउट करेंगे। इसलिए इन दोनों में से कोई आप एक भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, और खाली पानी की जगह आप ये सारी ड्रिंक्स लेंगे। और ये जो मैंने आपको कुकुम्बर वाला बताया था उसको आप एक मतलब दो बार यूज कर ही कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।